नाउ लेट अस फाइंड आउट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज. तो फ्रिंज की एंगुलर विड्थ जिसे हम थीटा बोलते हैं, अब हम वो निकालते हैं. तो फिगर को समझें. फिगर मैंने बना दिया है कि यहाँ आपको एक मिनिमा मिला, यहाँ पर भी एक मिनिमा मिला. तो सेंटर से उस मिनिमा का एंगल था, एंगुलर विड्थ था थीटा. हमें थीटा निकाला. सेम ऐसे इस तरफ भी वो इक्विडिस्टेंट ही होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थीटा. ये इस मिनिमा से इस मिनिमा तक का डिफरेंस जो कहलाता है वो आपका कहलाता है बीटा. ये फ्रिंज विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की. लेकिन अगर उसका हाफ लें, यानी कि अगर सिर्फ हम एंगुलर विड्थ देख रहे हैं, तो वहाँ आप बीटा नॉट ले सकते हो. तो यहाँ अगर मैं थीटा डिफाइन कर रही हूँ या साइन ऑफ थीटा की टर्म्स में मुझे डिफाइन करना हो, वी कैन डिफाइन साइन थीटा एज लैम्डा बाई डी. ये एक्सप्रेशन से निकाला हमने, क्योंकि हमें पहला मिनिमा मिल रहा है, तो मिनिमा तक के लिए जो डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस को हम, यानी थीटा के लिए एक इक्वेशन से, जो अभी हमने कहा था लैम्डा इज इक्वल टू साइन डी साइन थीटा, वहाँ से निकला. लेकिन हमें पता है साइन थीटा बहुत छोटा होगा, तो यू कैन ऑलवेज कॉल इट एज थीटा इज दिस साइन थीटा इज सिमिलर टू थीटा. सो थीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी. बिकॉज यहाँ रीजन भी लिख देते हैं कि दैट साइन ऑफ थीटा इज सिमिलर टू थीटा. सेम वे आप यहाँ से टेंजेंट थीटा भी डिफाइन कर सकते हो. तो हम टेंजेंट थीटा डिफाइन कर लेते हैं. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको टेंजेंट थीटा चाहिए तो दैट इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है बी नॉट एंड बेस कितना है डी. तो वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज इक्वल टू बी नॉट बाई कैपिटल ऑफ डी. बी नॉट भी बोल सकते हो, और अगर आपको पाथ की टर्म्स में देना है, यानी कि डेविएशन की टर्म्स में देना है, तो फिर आप एक्स भी बोल सकते हो. बट अगेन वही कॉन्सेप्ट लेंगे, टेंजेंट थीटा जो है वो सिमिलर टू थीटा है. सो ये भी आपके पास, एंड दिस इज इक्वल टू बी नॉट बाई डी भी हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्स बाई डी भी हो गया. तो विच एवर यू वांट टू फाइंड आउट, अगर मुझे थीटा चाहिए देन ना बोथ आर थीटा, वी कैन इक्वेट दैम. सो वी कैन ऑल्सो राइट लेमडा डी बाई डी जो है वो आपका बी नॉट बाई डी के इक्वल भी है और वो एक्स बाई डी के इक्वल भी है. तो ये तो था थीटा जब आपने फर्स्ट फ्रिंज की बात की. ऐसे ही अगर आप nth फ्रिंज की बात करो तो आप n लेमडा बाई डी लिख सकते हैं, वो भी मैं अभी आगे बात करती हूँ. बट यहाँ से हम कुछ रिलेशनशिप निकाल सकते हैं. जैसे बी नॉट को मैं डिफाइन करना चाहूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू लेमडा डी बाई डी. अगेन अगर आपको पोजीशन बतानी हो फर्स्ट मिनिमा की, तो वो एक्स बता सकते हो आप, वो भी लैम्डा डी बाई डी हो गया. लेकिन ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये पोजीशन डिफाइन कर रहा है. पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा मैंने बताया यहाँ पे, ये पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा बता रहा है. लेकिन अगर, और उसी का सेपरेशन बता दिया है फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा से जो फर्स्ट मिनिमा का सेपरेशन, उसी को हम बीटा नॉट भी बोल देते हैं. तो बीटा नॉट कह लो, एक्स कह लो, वही डिफरेंस आपका फ्रिंज विड्थ का, मतलब पार्ट कह लें हम, तो वो आपको ये वैल्यू बता रहा है. अब अगर मुझे चाहिए हो एनथ के लिए, यानी मुझे अब एंगुलर सेपरेशन की बात करनी हो, एंगुलर विड्थ ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज, तो nth ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर विड्थ चाहिए, यानी थीटा n चाहिए. थीटा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का कितना था, या मिनिमम के लिए था लैम्डा बाई डी. तो अगर मुझे nth के लिए चाहिए होगा तो वो हो जाएगा n लैम्डा बाई डी. अगर मुझे चाहिए विड्थ ऑफ nth डार्क बैंड, अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया है, दिस इज़ फॉर द डार्क बैंड एंड दिस वन इज़ फॉर द ब्राइट. सो ये ब्राइट होगा, वो हो जाएगा थीटा एन एंगुलर सेपरेशन. सो मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ, ये डार्क है, दिस इज़ द डार्क बैंड. आई थिंक फोकस से जा रहा था, फिर से देख लेते हैं मैंने क्या लिखा. द एंगुलर विड्थ ऑफ द nth डार्क फ्रिंज इज थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई, क्योंकि ये मिनिमा की कंडीशन थी. और ब्राइट बैंड के लिए आपके पास कंडीशन आ जाती है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2d. तो ये हमारे पास ब्राइट की आ गई, और ये एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ के लिए बोला है. बहुत बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, फॉर्मूला ही है हमारे लिए काम की चीज़ है. अब यही फॉर्मूले को, ये जो यहाँ दिखाया है मैंने, ये स्लिट है, यहाँ पे स्लिट से डिस्टेंस है, स्लिट से डिस्टेंस स्क्रीन का दिखाया है. तो इस फॉर्मूले को हम फिर से यूज़ करते हैं, और हम निकालेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा लेते हैं, उसकी एंगुलर विड्थ निकालनी है. तो आप देखिए, अब ये तो सेंट्रल मैक्सिमा तो फिगर में जाते हैं, फिगर में यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल रहा है, यानी कि पूरे दोनों एंगल इसमें काउंट हो गए. तो हमें टू थीटा चाहिए, दैट टू थीटा इज इक्वल टू बीटा
आपके पास बीटा नॉट नहीं, बीटा बाय कैपिटल डी। तो हम सिंपली यहाँ पे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगाएं और हम लिख सकते हैं टू थीटा इज इक्वल टू टू ऑफ बीटा, सॉरी बीटा बाय कैपिटल ऑफ डी। बीटा बाय कैपिटल डी हमारे पास एक रिलेशनशिप आया था, ये हमने आर्क अपॉन रेडियस से लगाया, आर्क बाय रेडियस। लेकिन हमने पहले अभी कैलकुलेट किया था, यहाँ पर ये था हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप, देखिए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी। तो अगर आप टू थीटा लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू टू लैम्डा बाय डी। तो अगर मैं यहाँ पर टू थीटा लेती हूँ तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू टू लैम्डा बाय डी। तो हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, और मुझे कंप्लीट सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ चाहिए, तो फिर क्या होगा, इस डी को उस तरफ ले जाइए, ये भी टू थीटा ये भी टू थीटा, तो आपके पास बचेगा टू लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। तो हमें सिंपली पता चल रहा है कि जो एक मिनिमा की पोजिशन थी उसका डबल आपका सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ आ रहा है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ को हम 2 लैम्डा बाय डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर फिगर में कहें तो आप इसे 2x भी बोल सकते हो, ये x है, इस साइड भी x होगा, तो x और x मिलके 2x होगा, तो दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज 2x। यानी अगर हम कहें कि x क्या है, तो x वही है, पहले भी x वही था लैम्डा डी बाई डी, और अभी यहाँ से भी हमने कोई वॉयलेशन नहीं किया या कुछ एडिशन या डिलीशन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हमने ये बता दिया कि अब ये है और ये आपका फ्रिंज विड्थ था सेंट्रल मैक्सिमा का। ओके, तो हमें पता चल रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो स्लिट साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लिट साइज रिप्रेजेंट कर रहा है, और जबकि हम जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन द स्लिट्स, टू स्लिट्स के बीच का डिफरेंस को हम डी बोलते हैं, वहाँ पर यहाँ पर हम इसे बोल रहे हैं स्लिट साइज की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं आगे लीनियर विड्थ ऑफ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सो अब हम लीनियर विड्थ निकालेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। सो वी जस्ट हैव एक्सप्लेन कि एंगुलर विड्थ जो होती है एनथ फ्रिंज की, डार्क फ्रिंज की ये होती है, ब्राइट फ्रिंज की होती है। तो लेकिन अगर हमें दोनों ही डार्क बैंड लेने हो और उनका डिफरेंस हम निकाल लें, यानी अभी क्या था, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा था, ये आपका फर्स्ट प्राइमरी मैक्सिमा प्राइमरी मिनिमा था, इसके बाद कोई नेक्स्ट मिनिमा आया होगा, तो हमें जब विड्थ मिनिमा की नेक्स्ट मिनिमा की निकालनी है, यानी मैं यहाँ फिगर बनाती हूँ, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा था और आपको उससे नेक्स्ट वाले की विड्थ चाहिए, तो इसकी पूरी तो विड्थ हमारी बीटा निकली थी, और इससे नेक्स्ट वाले की जो विड्थ होगी उसको मैं कह देती हूँ सपोज बीटा टू कह देते हैं। ओके, सो क्योंकि बहुत सारे बीटाज हो गए हैं, देखो एक तो बीटा नॉट निकाला था हमने, ये वाला बीटा नॉट, एक आ गया आपके पास ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का बीटा, और ये सेकेंडरी मैक्सिमा का बीटा, तो ये निकालना है अब हमें। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस मिनिमम और इस मिनिमा के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो हमारे पास वो डिफरेंस होता है थीटा एन प्लस वन माइनस में थीटा ऑफ एन कर दें, तो थीटा एन प्लस वन क्या हो जाएगा, ये था हमारे पास थीटा एन प्लस एन था और इसके साथ एन प्लस वन लिख देंगे, तो यानी कि अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास आएगा एन प्लस वन लैम्डा बाय डी में से आप एन लैम्डा बाय डी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो यू विल बी लेफ्ट विद ओनली लैम्डा बाय डी। तो ये आपके पास रिलेशन आया था, लेकिन हमें पता है लैम्डा बाय डी को तो हमने पहले ही रिलेशन में यहाँ पे बीटा नॉट बाय डी भी बोला था, तो यहाँ बीटा नॉट जो है वो आपका लैम्डा डी बाई डी इंटू डी के बराबर हो गया, तो और ये भी आपका लैम्डा डी बाई डी जो है ये आपका आ रहा है बीटा टू बाई डी के बराबर, क्योंकि पहले भी हम रिलेशन, इसका मतलब ये हुआ कि बीटा टू क्या हुआ, वो आपका लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हो गया, यानी वही रिलेशनशिप जो हमने यहाँ पर बीटा नॉट के लिए बोला था, बट तब तो हम इसे बोल रहे थे कि हाफ जो डिस्टेंस है, हाफ द विड्थ जो है वो आपके सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ के बराबर, सेंट्रल मैक्सिमा की हाफ विड्थ जो है वो आपके सेकेंडरी मैक्सिमा के बराबर होगी, तो मैं इसे लिख देती हूँ। सो हेयर आई हैव रिटन द स्टेटमेंट कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू ट्वाइस द विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा, तो यानी सेकेंडरी मैक्सिमा का डबल करेंगे तब जाके आपको सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ मिलेगी। अब हम यहाँ कन्फ्यूज ना हो कि इसे मैंने यहाँ बीटा टू कहा है सेकेंडरी मैक्सिमा को, लेकिन यहाँ पर मैंने बीटा नॉट कहा, यहाँ बीटा नॉट क्यों कहा, क्योंकि जब इंटरफेरेंस हम यूज़ कर रहे थे तो हम तब भी हम यही निकाल रहे थे कि फ्रिंज के सेंटर से, सेंट्रल फ्रिंज से आपके फर्स्ट मिनिमा का या मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ कितनी है,
तो कितने दूरी पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है, तो उनका डिफरेंस हम दूसरी तरफ और इस तरफ से निकाल रहे थे। यही चीज़ हमने फ्रिंज विड्थ को अभी भी डिफाइन किया लैम्डा डी बाई डी, तो वो अभी भी फ्रिंज विड्थ ही है, लेकिन अब की बार क्योंकि डिफ्रैक्शन हो रहा है तो सेंट्रल मैक्सिमा काफ़ी बिगर साइज में बन जाता है, वैसा नहीं बनता जैसा कि इंटरफेरेंस में बनता है, और इसीलिए ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। यहाँ हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो ट्वाइस द सेकेंडरी मैक्सिमा होती है। पहले केस में देखा जाए यानी मैक्सिमा जितने भी फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है वो लैम्डा डी बाई डी, इंटरफेरेंस में भी यही होता है, डिफ्रेक्शन में भी यही होता है, सिर्फ एक जो सेकेंडरी मैक्सिमा की जो फ्रिंज विड्थ होती है उसमें आपका केस डबल हो जाता है, यानी सेकेंडरी मैक्सिमा प्राइमरी सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो आपको ट्वाइस मिलेगा, बाकी सारा रिलेशन सेम है। जब हम इंटरफेरेंस कर रहे थे तो यहाँ बीटा नॉट हम ये डिस्टेंस नहीं मानते थे, हम पूरा फर्स्ट मिनिमा इस साइड और इस साइड उन दोनों का डिस्टेंस मानते थे और ये टोटल आपका थीटा होता था। अब क्या हो रहा है, अब थीटा इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो यहाँ केस और वहाँ का केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, यानी कि फ्रिंज विड्थ जो है उसकी जो फॉर्मूला है वो भी डिफर करता है सेंट्रल के लिए, बाकी अदरवाइज सबके लिए सेम है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद सम न्यूमेरिकल्स।